गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर सेकंड सेम। टुडे माय लेक्चर टॉपिक ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मीन्स बैक्टीरिया की बनावट की विशेषताएं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक which related fundamentals of plant pathology. So let me start my lecture on the topic of morphological characters of bacteria. On the morphology, the bacteria is a pointed measure two group, that is first size and the second shape. Size means aakar, शेप मीन्स परिमाप। साइज की बात करें, बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल इन साइज, बट दैट इज स्मॉलर देन ईस्ट माउल्स एंड प्रोटोजोआ। द साइज ऑफ बैक्टीरिया वेरी फ्रॉम दैट इज 1 to 3 into 0.5 to 2 micrometer in diameter or size. The exact size of bacteria varies from species to species, but most being approximately 0.5 to 1 micrometer in diameter. In concept of Hindi, bacteria means jivadu are very small in size. बहुत छोटी साइज के होते हैं, काफी छोटे होते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने बैक्टीरिया के डेफिनेशन कॉन्सेप्ट में मैंने बताया कि एक्सट्रीमली माइन्यूट, माइन्यूट में छोटा, स्मॉल, छोटा, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इसलिए माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जा सकते हैं, विदाउट माइक्रोस्कोप आप इसको नहीं देख सकते। तो एक्सट्रीमली माइन्यूट में स्मॉल साइज का होता है, और ये स्मॉलर किससे होता है, स्मॉलर देन ईस्ट, ईस्ट से छोटा होता है, माउल्स, माउल्स के द्वारा माउल्स से छोटा होता है, एंड प्रोटोजोआ। ये थ्री मेजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे छोटा बैक्टीरिया होता है साइज में। लेकिन बैक्टीरिया का कोई निश्चित साइज नहीं होता, ये डिपेंड करता है उसके जेनरा और स्पीसीज के ऊपर, क्योंकि बैक्टीरिया का कई बैक्टीरिया होते हैं अलग अलग जेनरा के, अलग अलग शेप साइज के। आगे के लेक्चर में बताऊंगा कि शेप के आधार पर बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन किया गया। कई शेप के बैक्टीरिया होते हैं, उसमें रॉड होते हैं, बेसिलस होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, कॉमा शेप होते हैं, स्पाइरल कर्व होते हैं, वाइब्रियोस होते हैं, प्लियोमॉर्फिक शेप होते हैं। ये मेजर मेजर शेप, कई कई शेप के बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए ये उनके शेप के आधार पर डिपेंड करता है कि वो बैक्टीरिया किस शेप का है और उसके अंतर्गत कौन से जेनरा या कौन से स्पीसीज बिलोंग करता है। तो उनके आधार पर कोई एग्जैक्ट साइज नहीं होता, लेकिन जो वेरिंग साइज होता है, अप्रोक्सीमेटली साइज, वो 1 to 3 इंटू 0.5 to 2 माइक्रोमीटर साइज, इसके बीच में मैक्सिमम बैक्टीरिया के स्पीसीज पाए जाते हैं। लेकिन ये तो जेनरा की बात हो गई, लेकिन जहां पे बैक्टीरिया का स्पीसीज की बात किया जाए, तो मैक्सिमम स्पीसीज में जो साइज का वेरिंग होता है वो 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। तो इस बैक्टीरियल जेनरा की बात किया जाए, तो मैक्सिमम बैक्टीरिया का जेनरा का साइज 1 to 3 इंटू 0.5 to 2 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, लेकिन वेरिंग इन स्पीसीज की बात किया जाए तो 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर साइज का होता है। तो यहां पे बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर सबसे फर्स्ट पॉइंट आई हैव प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज फर्स्ट साइज, कि बैक्टीरिया
वेरी स्मॉल साइज का होता है और ईस्ट मॉलिक्यूल्स मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ से छोटा होता है, वेरी साइज में होता है और वेरी साइज के अंतर्गत 1 to 3 × 0.5 to 2 μm इन साइज का होता है। लेकिन एग्जैक्ट साइज ऑफ बैक्टीरिया वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। स्पीशीज कंपैरेटिवली बात किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर साइज का बैक्टीरिया होता है। सो यू आर अंडरस्टैंड ऑल स्टूडेंट। सेकंड पॉइंट शेप, शेप की परिमाप। शेप की बात किया जाए तो देयर आर डिफरेंट शेप ऑफ बैक्टीरिया इन केस ऑफ फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड पैरासाइटिंग बैक्टीरिया। Means the shape of bacteria governed by its rigid cell wall। जो bacteria का cell होता है, shape होता है, वो shape bacteria के cell wall के ऊपर depend करता है। जो उसका कठोर cell wall पाया जाता है bacteria का सबसे बाहरी जो कवच के रूप में, shape के रूप में जिसको जाना जाता है, cell means होता है कोशिका और wall means होता है दीवार। एक ऐसा दीवार जो कोशिका को चारों तरफ से घेरा हो और अलग अलग जो बैक्टीरिया का जो जेनरा होता है उस जेनरा में अलग अलग शेप और साइज का जो है कि बैक्टीरिया पाया जाता है और शेप उसके सेल वॉल के ऊपर डिपेंड करता है। और ये सेल वॉल जो होता है वो हार्ड नेचर को होता है, कठोर होता है, तो उसी कठोरता के ऊपर डिपेंड करता है कि सेल वॉल कैसा है, किस शेप का बना है। तो इसके बेस पे बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन किया गया सबसे फर्स्ट है रॉड शेप। रॉड शेप बैक्टीरिया आल्सो नोन एज बैसिलस। यहां मैंने डायग्राम बनाया, ये रॉड शेप बैक्टीरिया है जिसको हम बैसिलस के नाम से भी जानते हैं। सबसे फर्स्ट मोस्टली फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं किसी प्लांट में, वो रॉड शेप या बैसिलस शेप के होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने दिखाया कि फर्स्ट एग्जांपल बैसिलस सबटिलिस है एंड सेकंड एग्जांपल जेंथोमोनास सिट्रा है। मैक्सिमम जेंथोमोनास वो रॉड शेप के होते हैं जिसको बैसिलस के नाम से जाना जाता है। ये इसका मॉर्फोलॉजिकल डायग्राम मैंने बनाया। सेकंड शेप ऑफ बैक्टीरिया के अंतर्गत सेकंड है स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया आल्सो नोन एज कोकस, कोकस और कोक्साइन। कोकस आर्कोक्साई आल्सो नोन स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप। यहां मैंने डायग्राम बनाया, ये स्फेरिकल गोलाकार शेप का होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। द स्फेरिकल और कोकस बैक्टीरिया क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल। जो दूसरा मेजर शेप ऑफ बैक्टीरिया है स्फेरिकल, जिसको कोकस या कोक्साई के नाम से जाना जाता है, ये बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो गोलाकार होता है और इसके अरेंजमेंट के आधार पर इसको हम टोटल 7 ग्रुप में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। दैट इज फर्स्ट कोकस। कोकस मीन्स जब कोई भी बैक्टीरिया का सेल सिंगल होता है उसको कोकस कहते हैं। दूसरा डिप्लोकोकस, जब बैक्टीरिया का सेल दो आपस में मिले होते हैं उसको डिप्लोकोकस कहते हैं। तीसरा डिप्लोकोकस इनकैप्सुलेटेड, मींस दो बैक्टीरिया आपस में पाए जाते हैं लेकिन वो कैप्सुलेटेड होते हैं, चारों तरफ से घिरे होते हैं। थर्ड के बाद फोर स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस जो होता है वो अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, स्टेफाइलोकोकस। फिर स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस में रेक्टेंगुलर सॉरी ट्रायंगुलर अरेंजमेंट होते हैं लेकिन एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर करते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस भी ट्रायंगुलर अरेंजमेंट होते हैं लेकिन एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करते। इसके बाद सिक्स है सारसीना। सारसीना एक दूसरे के बीच में एंट्री करके अरेंजमेंट होते हैं जिसको हम सारसीना कहते हैं। लास्ट सेवन है टेट्रॉड।
तो ये मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्फेरिकल सेल। जो स्फेरिकल या कोकस सेल ऑफ बैक्टीरिया होता है उसके अरेंजमेंट के आधार पर इसको क्लासिफाइड किया गया। तो मेजर टू हो गया। थर्ड है स्पाइरल कर्व और ओ आर स्पिरिलियम शेप। स्पाइरल सर्व स्पाइरल में होता टेढ़ा मेढ़ा, इसका मैंने डायग्राम बनाया। ये स्पाइरल कर्व और स्पिरिलियम शेप ऑफ बैक्टीरिया है जिसका बेस्ट एग्जांपल है स्पिरिलियम स्पेंस, स्पिरिलियम सर्पेंस। दैट इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्पाइरल और स्पिरिलियम शेप ऑफ बैक्टीरिया। दैट इज नेक्स्ट फोर्थ विब्रियोस कॉमा शेप। विब्रियोस कॉमा शेप ऑफ बैक्टीरिया दैट इज बेस्ट एग्जांपल। इसका डायग्राम आपके बीच मैंने प्रेजेंट किया। इसका एग्जांपल है विब्रियोस कॉमा, दैट इज फाइव प्लियोमॉर्फिक शेप ऑफ बैक्टीरिया। प्लियोमॉर्फिक मींस होता बहुरूपी, एक ऐसा बैक्टीरियल स्पीसीज और जेनरा जिस जेनरा के अंतर्गत उसका शेप साफ शेप एंड साइज कोई डिसाइडेबल ना हो, निश्चित ना हो, कई शेप के बनते हो, उसमें स्फेरिकल भी होते हैं, रॉड शेप के बनते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, सारसीना शेप के बनते हैं, हेलिकल शेप के बनते हैं। तो ये लास्ट जो फाइव पॉइंट ऑफ बैक्टीरियल शेप ऑफ बैक्टीरिया है वो प्लियोमॉर्फिक शेप का होता है, एक बार जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आर्थोबैक्टीरिया। आर्थोबैक्टीरिया दैट इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लियोमॉर्फिक शेप ऑफ बैक्टीरिया। इन केस ऑफ आर्थोबैक्टीरिया हैव डिफरेंट टाइप डिफरेंट शेप ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज स्फेरिकल, रॉड, इलॉन्गेटेड, हेलिकल एटसेट्रा। तो टुडे माय लेक्चर टॉपिक आई हैव प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू on morphological characters of bacteria, that is first size, that is second shape. So all students understand the lecture topic in case of morphological character bacteria. So let me finish today my lecture topic. Any query regarding them, please write on problems in the comment box and write down on notebook for the examination preparation. So thank you, that's all.